वालेकुम। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ दिनों में मैट्रिक का एग्ज़ाम है। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ उर्दू में, मुझे टेंशन है कि मैं किस तरह एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा। तो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उर्दू का करा दी हूँ, जो कि एग्ज़ाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। सबसे पहले जानिए, जो कि उर्दू का बुक है उसको दो भागों में बांट कर पढ़ाया गया है। पहला है हिस्सा है नसर और दूसरा है हिस्सा है नज़्म। हिस्सा है नसर में 15 चैप्टर हैं और हिस्सा है नज़्म में 16 चैप्टर हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये जो 15 चैप्टर है इसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हल कर दी हूँ, और जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 16 जो चैप्टर है इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँगी इसका नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो, ये दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी देकर बोल रही हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लगातार देखते रहना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर से आपको पीछे कर कर देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और चारों तरफ शेयर कर दीजिए, ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुँच सके। और इस तरह मैं वीडियो बनाती ही रहती हूँ और इंशाल्लाह आगे बनाती ही रहूँगी। ठीक है, देखिए, ये 15 चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा दी हूँ। चलिए, आप अब उसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और उसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी पर। हो सके तो मैं टेलीग्राम पर इसका PDF नोट्स भी दे दूँगी, आप ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप ले सकते हैं। तो चलिए, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1938 ईस्वी में। अगला सवाल, शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुई। तो ये हो जाएगा सीतामढ़ी ज़िला में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल, शबनम कमाली का असल नाम क्या है, यानी कि रियल नाम क्या है। तो ये हो जाएगा मुस्तफ़ा रज़ा, ऑप्शन नंबर बी। चार नंबर सवाल है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजीबुर रहमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सवाल है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी, पटना में हुई थी। इन सभी सवालों को आप देखते चलिए, याद करते चलिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सबको देखते चलिए, ध्यान में रखते चलिए सबको, क्योंकि इसी वीडियो में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला सवाल है 7 नंबर, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 चेहरे। अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। सवाल नंबर 9, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाभी जान। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब, यानी कि आपके बुक में है, तो भाभी जान। अगला सवाल है 10 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी कि आपके बुक में है। तो वो क्या हो जाएगा 10 का, 1 नंबर आंसर, फरार। चले आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल पर। सवाल बोल रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पटना के अजीम आबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 जुलाई 1910 को। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का 2nd, 2002 ईस्वी में। अगला सवाल है, फरार किसका अफसाना है। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद मोहसिन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था
सैयद मोहम्मद रसीद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मौजू पर किस मौजू पर महारत रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नफ्सियाती। नफ्सियात पर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ज़्यादा महारत रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 17 सवाल है, कमर जहाँ की तारीख पैदाइश क्या है? तो कमर जहाँ की तारीख पैदाइश है 1951 ईस्वी में। 18 नंबर सवाल है, कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर जिला। अगला सवाल है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद अताउल हक, ऑप्शन ए हो जाएगा। कटी हुई शाख किसका अफसाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कमर जहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, कमर जहाँ का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 3। 22 नंबर सवाल है, कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूआ का नाम बताएं, यानी कि कमर जहाँ का कोई भी एक अफसाना का नाम बता दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारागिर, क्योंकि ये तीनों में से एक कोई नहीं है कमर जहाँ का अफसाना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, निगार अजीम की पैदाइश कब हुई? तो निगार अजीम की पैदाइश हुई थी इन तीनों में से किसी में भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 सवाल, निगार अजीम का असल नाम क्या है, यानी कि रियल नेम क्या है? तो महर निगार। अगला सवाल है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी कि आपके बुक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशियाना। 26 नंबर सवाल है, निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू फारसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 सवाल है, निगार अजीम का मजमूआ गहन कब शाई हुआ, यानी कि इनका जो मजमूआ गहन है वो कब पब्लिश हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 1975 ईस्वी में। निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नफ्सियाती अफसाना है। आशियाने के अफसाना निगार का नाम क्या है? तो ये 29 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन ए निगार अजीम आबादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल, निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गर्द गर्द आवारगी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ये संगीन मसला है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के तापमान में टेम्परेचर में बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अगला सवाल है, 32, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31% इजाफा हो, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। इजाफा मतलब होता है बढ़ोतरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सवाल है, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.7075 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकद हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का 3, दीमापुर। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए ऑप्शन, 2007 ईस्वी। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? ये बार बार सवाल पूछता है, तो इसका ध्यान रखना है, ये सेकंड होगा इसका राइट आंसर, 1817 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है, सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? तो सर सैयद के वालिद का नाम था मीर मुतकी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगला सवाल पर। सवाल नंबर 38 है, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर 3 रया। अगला सवाल है, 39, सर सैयद की वफात कब हुई? ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, ये बार बार पूछा है ये वाला सवाल, ये ऑब्जेक्टिव, तो इसको ध्यान रखना है,
सर सैयद की वफ़ात यानी कि इंतकाल हुई थी 1898 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो सर सैयद के वालिदा का नाम था अजीबुल निसाए बेगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा अदारा कायम किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब्दुल मगनी। ये आप लोग अपने से भी खुद से आंसर टिक कीजिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ आप लोग कितना पढ़ लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 सवाल, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनकैदी मजमून है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। अब्दुल मंगनी आगे रहना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए। तो अब्दुल मंगनी कब पैदा हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का सेकंड ऑप्शन, 1934 ईस्वी में। अगला सवाल है 45, अब्दुल मंगनी कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के औरंगाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 सवाल देखते हैं, इनमें अब्दुल मंगनी की किताब कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, जादू एतदाल। ठीक है, 47 क्वेश्चन है, अब्दुल मंगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मदरसा शमसुल हुदा। ठीक है, अगला सवाल है, अब्दुल मंगनी का इंतकाल कब हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 2006 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन हो गया, सभी को ध्यान में रखते चलिए। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, अब्दुल मंगनी के वालिद का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रऊफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल, अब्दुल मंगनी ने कहाँ तक तालीम हासिल की? तो अब्दुल मंगनी ने आलिम तक तालीम हासिल की, आलिम तक ही उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद से वो लेखक बन गए। आगे बढ़ते हैं। 51, डॉक्टर अब्दुल मंगनी ने अपनी मुलाज़मत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? आगाज़ मतलब होता है स्टार्ट, अपने मुलाज़मत का आगाज़ यानी कि स्टार्टिंग किस कॉलेज से की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना कॉलेज से। अगला सवाल है 52, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी 14 अप्रैल 1891 में। आगे बढ़ते हैं। 53, भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमबाई। ठीक है, अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 54 का आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, मैनेजर के ओहदे से रिटायर हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 सवाल, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 14 साल की उम्र में किससे? रामाबाई से भीमराव अम्बेडकर की शादी हुई थी 14 साल की उम्र में। आगे बढ़ते हैं। भीमराव आज़ाद हिंदुस्तान में किस अहदा पर फाइज हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वजीर कानून पर। अगला सवाल है, भीमराव अम्बेडकर का इंतकाल कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1986 ईस्वी, सॉरी 1956 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 58, भीमराव का वालिद का नाम क्या था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर 1, रामा राम जी मालो जी सकपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिफिस्टिन कॉलेज से। अगला सवाल है 60, बुद्ध मजहब में नरवान का कैसा तसूर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, खुदा का उरफान। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1941 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छपरा के बनियापुर में। ठीक है, अगला सवाल है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के एमएलए रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 का ऑप्शन नंबर थर्ड, राजद, राजद पार्टी के एमएलए रहे। अगला सवाल है 64, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेज। ड्रामा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टेज होना चाहिए, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं 64, 65, चलिए 65 सवाल है, लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी कि आपके बुक में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू ड्रामा और आगा हसर। अगला सवाल है, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? ठीक है, यानी कि उनके पिताजी का नाम क्या था? तो 66 हो जाएगा, 66 का हो जाएगा थर्ड, अब्दुल गफूर। अगला सवाल है 67, लुत्फुर रहमान की किताब के नाम लिखें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, 1 और 2, यानी कि सहर वफा भी और सनम आसना भी। ठीक है, अगला सवाल है, आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुस्तमे व सोहराब। ठीक है, अगला सवाल है, नज़ीर अहमद कहाँ पैदा हुए? तो नज़ीर अहमद बदनौर के अफजलगढ़ में पैदा हुए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, फहमीदा नसूह की क्या थी? तो फहमीदा नसूह की बीवी थी। अगला सवाल है, हमीदा नसूह की क्या थी? तो हमीदा जो थी वो नसूह की बेटी थी। फहमीदा नसूह की बीवी और हमीदा नसूह की बेटी। आगे बढ़ते हैं 72, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 72 का, 1836 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तौबतुल नसूह किसका नाविल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, नज़ीर अहमद की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन नंबर, सवाल है, नज़ीर अहमद के पहले नावल का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का 1, मुरतुल अरूस। ठीक है, 75, नज़ीर अहमद के पहले नावल का क्या नाम था, इसमें ऑप्शन नहीं, कोई बात नहीं। 76 देखिए, नज़ीर अहमद ने किसके तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे? तो वो अपने बेटियों के तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ था 1910 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 78, नज़ीर अहमद की पैदाइश यूपी के किस ज़िले में हुई? तो बजनौर ज़िले में हुई थी, तो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है 79, गालिब की पैदाइश कब हुई? तो गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई, ये बार बार पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर सवाल, मिर्ज़ा गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो मिर्ज़ा गालिब जो थे वो आगरा में पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था, यानी कि उनके फादर का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अब्दुल्ला बेग। अगला सवाल है, खतूत गालिब एक मजमुआ का नाम लिखें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का थर्ड, औध हिंदी, ये गालिब द्वारा लिखा गया खतूत है। अगला सवाल है 83, शामिल निसाब खत में गालिब ने किसको मुखालिफ किया है, यानी कि जो आपके बुक में जो चैप्टर है, जो खत गालिब द्वारा लिखा गया है, वो किसके मुखातिब है, किसके लिए है? तो 83 का सवाल आंसर हो जाएगा आपका 1, करामत हुसैन हमदानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 84 सवाल नंबर,
मैंने वह अंदाज तहरीर एजाद किया है कि मुरासला को मकालमा बना दिया है, यह कॉल किसका है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, गालिब द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गालिब का इंतकाल कब हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर सवाल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 1869 ईस्वी में गालिब का इंतकाल हुआ। गालिब का मज़ार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, दिल्ली में गालिब का मज़ार है। आगे बढ़ते हैं। 87 में गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखें। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उर्दू माली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88, गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो गालिब ने 900, 900 खतूत लिखे हैं। अगला सवाल है, 89, मेहदी अफादी कब पैदा हुए? तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, यानी कि 1828 ईस्वी में मेहदी अफादी पैदा हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 सवाल, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो यूपी के गोरखपुर में पैदा हुए थे, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी अफादी का जो असल नाम था वो था मेहदी हसन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92, मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? तो मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, मेहदी अफादी ने जेर निसाब ख़त में किसको मुखातिब किया है? ठीक है, तो 93 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मकबूल अहमद शमदानी की। आगे बढ़ते हैं। 94, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में महारत हासिल है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95, मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था? तो मेहदी अफादी के बेगम का नाम था अजीमुन्निसा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 सवाल है, मेहदी अफादी की बेगम किस नाम से मशहूर हुई? तो किस नाम से मशहूर हुई? ऑफिशियली बातें उन्हीं के नाम से मशहूर होंगी, मेहदी अफादी के नाम से। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बेगम मेहदी। आगे बढ़ते हैं 97 पर। 97 नंबर सवाल है कि बेदी से इंटरव्यू किसने ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्मत चुगताई ने। आगे बढ़ते हैं। बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो बेदी का जो पहला अफसानवी मजमूआ है उसका नाम है महारानी का तोहफा। ठीक है, पहला अफसाना है। अगला बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल, बेदी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो जो बेदी की पैदाइश हुई थी वो लाहौर शहर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। शामिल ने निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो 100 नंबर का हो जाएगा आपका थर्ड, राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 101, बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो बेदी का इंतकाल ऑप्शन नंबर ए, 1984 में हुआ। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, आप याद कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर हिस्से नस के 15 चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए, इसको याद कर लीजिएगा, और हिस्से नज़्म का जो 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा उसका इंतज़ार कीजिए। ये दोनों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वीडियो से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही गए पूछेगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी, सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।